नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए दोस्तों, आज बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम राज्य में होने वाले बोर्ड और इंटर की परीक्षा के बारे में जानेंगे, फिर राज्य में बढ़ती ठंड के बारे में जानेंगे, बिहार में किस दिन कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, राज्य में कौन मंत्री सबसे अमीर और कौन सबसे गरीब, फिर राज्य में बनने वाले पटना गया डोभी 4 लेन का चौड़ीकरण के बारे में, देश में किसान कानून को लेकर हड़ताल के बारे में, और फिर राज्य और देश में कोरोना अपडेट को लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। सबसे पहली खबर, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर मॉडल पेपर जारी कर बताया प्रश्न पत्र का पैटर्न, विकल्पों की संख्या होगी दुगुनी। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2021 में वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विकल्पों की संख्या को दोगुना कर दिया है। मैट्रिक में विज्ञान विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80, लघु उत्तरीय 24 और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगा, लेकिन छात्रों को उत्तर 69 प्रश्न का देना है। वहीं मैट्रिक में गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से प्रश्न वस्तुनिष्ठ 100 होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न लघु उत्तरीय और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकार का होगा। इसमें कुल 69 प्रश्न का उत्तर देना होगा। शनिवार यानी आज बिहार के 3 जिलों में होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, जानिए सरकार की पूरी तैयारी। जी हां, शनिवार यानी 2 जनवरी को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इस अभियान में बिहार के 3 जिलों राजधानी पटना, जमुई और पश्चिमी चंपारण के बेतिया को चुना गया है। ड्राई रन के लिए 3 जिलों में 3-3 केंद्र को चुना हुआ है। पटना में मॉक ड्रिल के लिए शास्त्री नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर में सब डिविजनल अस्पताल को चुनाया गया है। वहीं जमुई में 3 स्कूल में इस अभियान को पूरा किया जाएगा। बिहार में इस टीकाकरण अभियान का जिम्मा संभाल रहे स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारिणी निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल में टीकाकरण अभियान के लिए इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक टीकाकरण कोविन पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पोर्टल में टीका लगाने वाले से लेकर जिसे टीका लगाना है उसका पूरा डाटाबेस मौजूद रहेगा। बीजेपी के मन से चल रही है बिहार सरकार, नीतीश के सिर पर चढ़ी प्रेशर में हो रहा है ट्रांसफर। जी हां, राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चल रहा है, नीतीश के सिर पर बीजेपी चढ़ी हुई है, नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, उनके साथ मजबूरी है कि वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार का कुछ भी चल नहीं रहा है, बीजेपी के दबाव में अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, नीतीश कुमार के न चाहते हुए भी यह सब हो रहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार जबरदस्ती वोट लिए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इनकी चल नहीं रही है, इस बार की सरकार में केवल भाजपा की चल रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार का जवाब, बाइक लूट से मॉब लिंचिंग तक रोकना है, इसीलिए इतने ट्रांसफर पोस्टिंग, 3 जिलों के डीएम और एसपी दोनों बदले गए हैं। जी हां, बिहार में आईएएस आईपीएस का प्रमोशन हो रहा था, नई पोस्टिंग भी तय थी, लेकिन राज्य के नीतीश कुमार सरकार ने प्रशासन के साथ पुलिस महकमे में ट्रांसफर पर खूब माथापच्ची की है। चुनाव के बाद बाइक लूट से मॉब लिंचिंग तक की घटनाओं से सरकार की किरकिरनी के साथ आईपीएस महकमे में 1 दर्जन जिले में सीधा और बड़ा बदलाव किया गया है। 3 जिलों में डीएम के साथ पुलिस कप्तान को भी बदल दिया गया है। छपरा में डीआईजी और एसपी दोनों को नए स्थान दिया गया है। इन तबादलों पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल भी खड़े किए हैं, जो आपको इससे पहले खबर में आपको बताया जा चुका है। बिहार में पड़ रही है जबरदस्त ठंड, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। जी हां, बिहार में न्यूनतम तापमान की गिरावट से ठंड में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में कई शहरों का पारा 2 से 3 डिग्री तक नीचे आया है। अगले
24 से 48 घंटे में पारे में आंशिक गिरावट के आसार है। रविवार से सुबह में आंशिक बादल छाएंगे और इस वजह से दिन का तापमान नीचे आएगा, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी, यानी अधिकतम तापमान नीचे आएगा और रात का पारा नीचे गिरेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा और पटना सहित सभी शहरों में हल्का कोहरा देखा गया। किसानों की दो टूक, 4 जनवरी को पक्ष में नहीं हुआ फैसला तो उठाएंगे कड़े कदम। जी हां, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर महीने भर से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसान संगठनों के नेताओं ने दो टूक कहा है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं हुआ तो वे कड़े कदम उठाएंगे। इसके साथ ही बैठक के बाद पेट्रोल पंप, मॉल आदि बंद करने की तारीखों का भी ऐलान करेंगे। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर सरकार 4 जनवरी को हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो प्रदर्शनकारी किसान संगठन कड़े कदम उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठक में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल 5% पर चर्चा हुई है। पटना गया डोभी, 4 लेन का चौड़ीकरण शुरू, 127 किलोमीटर पथ पर खर्च होंगे 1609 करोड़ रुपए। जी हां, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पटना गया डोभी 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। 127 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण पर लगभग 1609 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य 3 अलग अलग खंडों में किया जाएगा। सुगम यातायात के लिए पटना डोभी के बीच 5 शहरों में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। पटना गया डोभी पथ पटना से प्रारंभ होकर जहानाबाद गया होते हुए डोभी के पास जीटी रोड पर मिलता है। पटना जिला में 39 किलोमीटर के कार्य पर 649 करोड़, जहानाबाद जिला में 44 किलोमीटर सड़क निर्माण पर 496 करोड़ और गया जिला में 44 किलोमीटर सड़क पर 464 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 12 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश सहनी सबसे अमीर, सबसे गरीब रामप्रत की संपत्ति सिर्फ 95 लाख रुपए। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके 13 मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन संपत्ति का खुलासा किया। बिहार सरकार ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया। सबसे अमीर पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी है, उनके पास 12.5 करोड़ की संपत्ति है। PhD मंत्री रामप्रीत पासवान सबसे गरीब है, उनके पास सिर्फ 95 लाख रुपए की संपत्ति है। मुख्यमंत्री के पास 56 लाख रुपए की संपत्ति है तो उनके पुत्र निशांत के पास 3.62 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसकी वजह से निशांत के नाम प्रतीक संपत्तियों का होना है। सीएम के पास 16 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति के नाम पर उनके पास संसद बिहार को ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट है, अभी इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए है। तो नए साल के पहले दिन मिली अच्छी खबर, देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, सीराम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड को हरी झंडी। जी हां, साल 2020 को कोरोना बीमारी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन साल 2021 की शुरुआत होते ही अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सीराम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को आपात परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद मंजूरी देने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। समिति की हुई बैठक के बाद कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। नए साल के पहले दिन देशवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे में 463 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 253,255 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,172 कोरोना के एक्टिव मरीज है, तो दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना से जान चली गई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1397 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 558 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं।
अगली बड़ी अपडेट है, 1 जनवरी से वाहन में बिना फास्टैग लगाए टोल प्लाजा पार करने पर लगेगा 2 गुना टोल। जी हां, 1 जनवरी से देश भर में हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएंगे। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए होगा। 1 जनवरी से बिना फास्टैग सफर करने पर 2 गुना टोल देना होगा। दीदारगंज टोल प्लाजा के पास फास्टैग व्यवस्था लागू करने की विशेष तैयारी की गई है। 20 किलोमीटर तक हर दिन सफर करने वालों के लिए मंथली पास भी जारी किया जाएगा। कार मात्र 275 रुपये में 1 महीने में अनगिनत बार टोल से आ जा सकेंगे। 50 किलोमीटर तक आने जाने वालों के लिए अलग से मंथली पास की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के लिए कार को 165 रुपये, ट्रक और बस को 500 रुपये, हल्के माल वाहक को 250 रुपये, भारी निर्माण मशीनरी वाले वाहन को 755 और बड़े आकार वाले बहुदूरीय वाहन को 955 रुपये शुल्क लगेगा। कृषि क्षेत्र में नीतीश सरकार की 3 बड़ी योजनाओं से बिहार में किसानों की सुधरेगी स्थिति। जी हां, बिहार में नया साल 2021 किसानों के लिए नई लेकर आने वाला है। बिहार सरकार ने उनको नए साल का तोहफा देने की कई योजनाएं एक साथ जमीन पर उतारने का फैसला किया है। सरकार की ओर से 3 बड़े कदम कृषि क्षेत्र के लिए उठाए जा रहे हैं। इनमें एक है हर खेत की सिंचाई, दूसरा खेती के लिए अलग से बिजली फीडर और तीसरा मौसम अनुकूल खेती की योजनाएं हैं। इनके अमल में आने पर किसानों की परेशानी कम होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में होगा सुधार। सरकार बैंक खोलने को 1078 भवन देने को तैयार। जी हां, नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शाखाएं बढ़ने को बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना होगा। राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची भी इसके लिए बैंक दी गई है। इन शाखाओं के खुलने से राज्य में तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। बिहार में बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वित्त विभाग के इस साल 30 जून तक आंकड़ों के अनुसार राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या 7620 है। इसमें ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं के हिसाब से राज्य के प्रति 16,000 की आबादी पर एक बैंक है। अगली बड़ी खबर है, इंडियन आर्मी में जॉब पाने के लिए देना होगा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। जी हां, फरवरी माह में बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना बहाली होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस बार आचरण प्रमाण पत्र के अलावा बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। शारीरिक दक्षता की जाँच के बाद शैक्षणिक व आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। आपको बता दें कि इसका प्रमाण पंचायत क्षेत्रों से आने वाले युवकों को, मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवकों को वार्ड पार्षद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली के लिए मान्य होगा। बड़ी खबर, 1 से 10 जनवरी तक धान खरीद का चलेगा विशेष अभियान। डीएम ने कहा 48 घंटे में किसानों को मिलेगी राशि। जी हां, नए साल में किसानों से अभियान चलाकर धान की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए 1 से 10 जनवरी का समय निर्धारित किया गया है। इसमें निर्धारित तिथि को किसानों से संबंधित पैक्स व व्यापार मंडल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचकर रसीद प्राप्त करेंगे। किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की राशि 48 घंटे के अंदर बैंक खाता में जाएगी। इसके बाद भी निर्धारित तिथि का सामान्य तरीके से धान की अधिप्राप्ति जारी रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान डीएम कुमार रवि ने संबंधित सभी प्रखंड और पंचायत में अभियान चलाकर धान की खरीदारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,80,000 टन धान खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 32 बार किसानों से 24,398 टन धान की खरीदारी की गई है। इसमें पालीगंज, धनरुआ, बिहटा, विक्रम और नौबतपुर ने सराहनीय कार्य किया है। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि बिहार में गांधी सेतु किस जिले में स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।